दो लड़कियां एक साथ नहीं रह सकती, पूरी जिंदगी एक साथ कैसे बिता सकती हैं? मुझे नहीं पता चला कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में ये फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वक्त ही बताएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है संध्या, कल जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। समझने की कोशिश करो संध्या, प्लीज। हम हमेशा एक फ्रेंड की तरह रहेंगे, प्लीज संध्या। मम्मी डैडी से मिलने का मन कर रहा है, मैं एक हफ्ते तक नहीं आऊंगी, मैं गांव जा रही हूं। तुम मेरे साथ चलोगी? यस, टेक, कम ऑन। फ्रेश होकर आने वाली थी, ऐसे ही आ गई। फ्रेश होकर? छोड़ यार, इस जर्नी में तो पूरा दिमाग खराब हो गया। चलो एक अच्छी सी चाय पीते हैं। चलो 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 एलेक्स। छोड़ एलेक्स। हे अरे एलेक्स चलो एलेक्स। ये लो, गरम है, हाथ ना जल जाए। थैंक्स। एलेक्स, वो कार्तिक इसी गांव में रहता है? हाँ। अभी कहाँ है वो? अभी तो वो मुंबई में है, हॉलीडेज में आते रहता है। उसे गांव की लड़कियां बहुत पसंद हैं। लेकिन तू तो गांव की नहीं है ना? मैं कुछ समथिंग स्पेशल हूँ इसीलिए। Who knows कि अब वो शहर की लड़कियां पसंद करता हो। जस्ट थिंक यू सिक, तुम हमेशा लड़कों के बारे में निगेटिव सोचती हो। लेकिन मेरी सोच सही है, तेरी सोच गलत है कि लड़कों के बिना जिंदगी अधूरी है। I'm always right. लड़कों के बिना लड़की की जिंदगी अधूरी है। तेरा पागलपन बढ़ गया है। I'm helpless.
लेट्स गो फॉर स्मोक। यहाँ पर डैडी देखेंगे तो जान से मार देंगे। अरे मैं यहाँ नहीं, बाहर की बात कर रही हूँ। ये है स्विमिंग पूल। वाओ, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। सो ब्यूटीफुल। कम ऑन कम ऑन, लेट्स स्विम। ए, मैं नहीं आती, मुझे बहुत डर लगता है। ओह गॉड, मैं हूँ ना, डरती क्यों है? मैं सिखा दूंगी ना। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है। यहाँ सिग्नल का बहुत प्रॉब्लम है। कम ऑन। हमारा घर MP3 की तरह है, सिर्फ गाना सुनने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। रियली? यहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए तो घर में लैंडलाइन लगाया है। तुम्हारे घर में ये फैसिलिटी भी है? ओके, लीव इट। कूल। सिगरेट? बाप रे, यहाँ पर डैडी इस वक्त घर पर है, समझी? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, यहाँ कोई किसी को मार भी देना तो पता नहीं चलेगा। चल ले। इतनी लंबी जर्नी की थकान एक कश ने मिटा दी। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यही लिखा रहता है पैकेट पे ना। एक बात बता, इतने सुनसान जगह में घने जंगलों के बीच कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, ये फंडा समझ में नहीं आया। मेरे पापा को एकांत बहुत पसंद है और इसलिए उन्होंने इस घने जंगल में एक घर बना लिया और अकेले रहते हैं। अब तो आदत सी हो गई है और ये जगह भी इतनी दूर है, सिक्योरिटी के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तेरे लिए एक सरप्राइज है। व्हाट? हे, ये कहाँ से लेकर आई तुम? तेरे फ्रिज से। ये जरूर डैडी की होंगी, अगर उन्हें पता चल गया तो। हे, पता चलेगा तब ना। चल ले। चीयर्स। तू फिकर मत कर, आई मैनेज। ओके ओके। हे एलेक्स। हाय मॉम। आ गई तुम? मॉम कैसे हो? ये मेरी फ्रेंड संध्या है। हाय एलेक्स, अपनी फ्रेंड को ऊपर जाने के लिए कहो। ओके, गुड नाइट। मैं तुम्हें अकेले शहर भेजने के लिए डरता था, ये सोचकर कि कहीं तुम बिगड़ ना जाओ, और तुम बिगड़ी भी तो एक लड़की की वजह से। सिर्फ दारू सिगरेट ही पीती हो या कुछ और भी शौक है? डैडी धीरे बोलिए ना, वो सुन रही होगी, उसको दुख होगा। उसके दुख की चिंता है, अपने बाप के दुख की नहीं। डैडी शट अप। एक शब्द और भी बोला तो जान से मार डालूंगा। वो लड़की है, उसके ड्रेसिंग के स्टाइल देखी, वेरी चीप। डैडी मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती, वो मेरी जान है। डैडी मुंह बंद कर अपना। जब मेरी आंख खुले तो लड़की मुझे नहीं दिखनी चाहिए। और हाँ, एक वीक के अंदर मैं तेरी शादी पीटर से कर रहा हूँ, समझ गई? प्लीज डैडी, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें चुपचाप वही करना है। वो लड़की है, उसके ड्रेसिंग स्टाइल देखी, वेरी चीप। सुबह जब मेरी आंख खुले तो लड़की मुझे इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। डैडी मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती, वो मेरी जान है। डैडी डैडी मुझसे ऐसी बातें करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
प्लीज सॉरी 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 नो आई एम सॉरी प्लीज आई एम सॉरी। ये मुझे पता है। बी हैप्पी डियर, आई लव यू। భామగుండమయ్య భామ కౌగిలి కవింతలు కేరింతలై జ్వలింతగా